पार्टी हमारी सर्वमान्य है, पार्टी हमारी सर्वमान्य है, कोई चिंता नहीं, हम पार्टी के साथ ही हैं। चिंता नहीं है, पर अब चिंता में पार्टी ने आपको डाल दिया। कोई बात नहीं, चलता रहता है, चिंता आप चलेगी, लेकिन पार्टी आप अपनी जगह रखेंगे और व्यापारी अपनी जगह। पार्टी अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह, चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी किसी बात की। दुकानदार डर लगता है, कोई पत्थर नहीं मार दे, कोई हरास नहीं कर दे, क्योंकि ये जो भी पोस्टों पे बैठते हैं, क्या चैम्बर क्या व्यापार मंडल, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में चलती है, दाग है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको चेयर देती है बैठने के लिए, आम आदमी को देखती नहीं है। हमने सोचा था कि 370 टूटने के बाद हम लोगों की कुछ हालत सुधरेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन पसार हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज ये बंद करने आए क्यों? ये सब होलसेलर हैं भाई मेरे, बड़े बड़े होलसेलर हैं, जब रिलायंस आएगा इनकी होलसेल खत्म हो जाएगा। आगे ही दुकानदार खत्म हो चुका है, दुकानदार की कमर टूट चुकी है, लोगों के जुर्माने हुए, तब कहाँ था व्यापार मंडल चैम्बर? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इनका बंद का आह्वान है, बंद करेंगे, हम नहीं कहते नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है रिलायंस स्टोर खुलने से बड़े बड़े होलसेलरों को धक्का लग रहा है, वो हिल गए हैं अंदर से। लोग स्टोर जो है खोलने की बात लगातार की जा रही है, और कुछ स्टोर जो है खोल भी दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दुकानदारों की बात करें तो वो इसकी विरोध में है कि ये फैसला जो है गलत फैसला है। आप किस तरह से देखते हैं, एक आम नागरिक होने के नाते जो है आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस पे तो मैं जो टिप्पणी करूँगा वो एज ए कस्टमर ही करूँगा, क्योंकि मैं कस्टमर बात करूँगा तो शायद लोगों को वो अच्छे से समझ आएगा। तो एज ए कस्टमर मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि रिलायंस स्टोर जो अगर खुल रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और वो खुलने भी चाहिए, ताकि कस्टमर और आम जनता को जो है थोड़ी सी सुविधाएं जो है उससे प्राप्त हो। देखो जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कवरेज कर रहे हैं, और जहाँ तक रही दुकानदार की बात, दुकानदार तो पिसी जा रहा है, और मैं बताऊं आपको कि चैम्बर और व्यापार मंडल ये क्या करने जाते हैं जब मंत्री आते हैं यहाँ। अब पिछले दिनों, दो दिन पहले मंत्री आए थे, क्या करने गए थे वहाँ? ये अपना प्रोटेस्ट दिखाना चाहिए, ये नहीं कि खाली फ़ोटो खिंचानी है। व्यापार मंडल और चैम्बर का ये काम है, जब डीएम मैडम मार्केट में आए, जब एक एक दुकानदार का 2000 रुपये का उन्होंने पर्ची काटी, तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं बंद की कॉल दी इन्होंने? ये इसलिए बंद करवा रहे हैं, आम आदमी जो आज भी मिनिमम रेट ले रहा है मार्केट में, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, जो बड़े मार्जिन के साथ खेल रही है नुकसान उनको होगा। अब टाइम ऐसा आ गया है कि आपको क्वालिटी क्वांटिटी सब देनी पड़ेगी, कस्टमर अवेयर है और कस्टमर को बेनिफिट है। बीइंग ए दुकानदार, मेरे को देखा जाए मेरे को नुकसान है, लेकिन मेरे को बताया जाए पिछले 2 सालों में चैम्बर कहाँ था, किस किस दुकानदार का क्या क्या नुकसान हुआ है, इन्होंने देखा है किसको बैंक की लिमिट पड़ी है, लड़कों के खर्चे हैं, दुकान के खर्चे हैं, मेरी 2 साल से किताबें नहीं बिकी, मेरे को एक बारी भी चैम्बर वाला कोई पूछने आया कि भैया तेरी किताबों का क्या हाल है, पानी लगा, सिंक लगी, कहीं गल गई, सड़ गई, कोई ज़रूरत तो नहीं है, खाली फ़ोटो खिंचाने के लिए हैं ये लोग। बींग ए ह्यूमन बींग, मेरे को अगर देखा जाए तो रिलायंस स्टोर का कस्टमर को बेनिफिट होगा, अगर सही देशभक्त की बात करनी हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं इनको बता दूँ, यहाँ शराब की दुकानें बंद हुई, एक एक दुकान पे चार चार परिवार पड़ते थे, वो कुछ नहीं कर सके जो कि इतनी पैसे वाले थे, हम क्या कर पाएंगे? जो गवर्नमेंट चाहेगी, जैसे चाहेगी, देश वैसे चलेगा, ना व्यापार मंडल कुछ कर सकेगा, ना चैम्बर कुछ कर सकेगा। हाँ, जब ये मंत्री लोग आते हैं, जब ये इनके पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताया करें, सिर्फ फ़ोटो नहीं खिंचाएं और आ जाएं, किस दुकानदार की कौन सी प्रॉब्लम इन्होंने सब की मेरे को बताएं ना। पार्किंग का मुद्दा, हर बारी पार्किंग का मुद्दा, मैं पिछले 30 साल से यहाँ इस दुकान पे काम कर रहा हूँ, 30 साल से सुन रहा हूँ पार्किंग बनेगी, मैंने नहीं देखी पार्किंग। यहाँ से सब्जी मंडी शिफ्ट हुए मेरे ख्याल 6 साल हो गए हैं, पार्किंग की ईंट का पत्थर तक नहीं लगा, हर बारी यही आश्वासन, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। अभी भी आप देखिए, सिर्फ मंडे को फड़ियाँ उठाई जाती हैं, लेकिन अभी भी रेहड़ियाँ फड़ियाँ लगी हैं, ये गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं। हाँ, बींग ए दुकानदार डर लगता है, क्योंकि कोई पत्थर नहीं मार दे, कोई हरास नहीं कर दे, क्योंकि ये जो भी पोस्टों पे बैठते हैं, क्या चैम्बर क्या व्यापार मंडल, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में चलती है, दाग है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको चेयर देती है बैठने के लिए, आम आदमी को देखती नहीं है। जब बाजार में लोगों के जुर्माने हुए, तब कहाँ था व्यापार मंडल चैम्बर? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इनका बंद का आह्वान है, बंद करेंगे, हम नहीं कहते नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है रिलायंस स्टोर खुलने से बड़े बड़े होलसेलरों को धक्का लग रहा है, वो हिल गए हैं अंदर से,
लोगों को बेनिफिट मिलेगा, आम जनता को जो बेनिफिट देगा। अब मैं कॉपी सस्ती बेचूंगा तो कस्टमर मेरे पास आएगा, वो सस्ती बेचेगा तो उसके पास जाएगा। सर जिस तरह से अभी अभी जो है व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक बैठक की गई, उसमें ये फैसला लिया गया है कि आने वाले बुधवार को जो है उधमपुर जो है पूरी तरह से बंद रहेगा। जिस तरह से रिलायंस के स्टोर जो है जम्मू कश्मीर ड्यूटी की बात करें जहाँ पर खोले जा रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं स्टोर खोलने की बात है अगर करें हम तो स्टोर खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए? और दूसरी बात, व्यापार मंडल ने जो बंद का आह्वान किया है इसका समर्थन करते हैं आप जाने? देखिए जी, हमारा व्यापार मंडल, हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारी पूरा शहर, हम सबका है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सोचा था कि 370 टूटने के बाद हम लोगों की कुछ हालत सुधरेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं, पहले तो कोरोना ने हमें हमारी कमर तोड़ दी हुई है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नई नई बातें निकलती सामने आ रही हैं, फिर हमारे वाइन शॉप के कई भाइयों के बिजनेस ख़त्म हो गए, फिर हमारे बार वालों के भी बिजनेस अब ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब कि हम सब दुकानदारों को एकजुट होना पड़ेगा, इस पर ना व्यापार मंडल हो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या कोई भी हो, मैं तो एक ही बात कहूँगा, हम सब व्यापारी हैं। इसका आप क्या मानते हैं, अगर रिलायंस के स्टोर जहाँ पे खोले जाएंगे तो आम दुकानदार को नुकसान होगा? भाई साहब, दुकानदार खत्म हो जाएगा, आगे ही दुकानदार खत्म हो चुका है, दुकानदार की कमर टूट चुकी है। आज संडे है, आप बाहर देखिए क्या हालत है, एक भी किसी भी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं मिल रहा। उसका रीज़न यही है, आर्मी ऑलरेडी बाजार में नहीं आजकल आती, उनको मना किया गया है कोरोना के वजह से कि आप बाजार में नहीं जाएंगे। पुलिस अकेडमी से कोई नहीं आता, उनको भी मना किया। BSF के कस्टमर की देखी हमें आज दो दो साल हो गए, वो आते थे तो रौनक होती थी, आगे पीछे के लोग, इतनी दुकानें खुल चुकी हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों के पास नौकरी ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को हम दुकानदार ही तो कवर कर रहे हैं। सर कहने के स्थानीय का जे भी, जो लोकल हैं वो, उनका ये भी कहना है कि अगर जो स्टोर खोले जाते हैं तो उनमें जो है जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, और कहीं ना कहीं आजकल जो है जो लोग हैं वो क्वांटिटी और क्वालिटी देखते हैं। अगर आप भी वो दाम जो लाइन स्टोर देगा, अगर आप भी वो दाम देंगे तो आपको भी जो कारोबार करने में दिक्कत नहीं आएगी? ये तो बिल्कुल गलत बात है, मैंने दिल्ली में भी देखे रिलायंस वाले, उनके अपने बंदे होते हैं, वो जहाँ पर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं देने वाले। ये मैं आपको बता दूँ, जी देखो, पहले जब जियो आया था इन्होंने फ्री सिम दी थी, भाई साहब दी कि नहीं दी? आज 690 रुपये या 700 रुपये कैसे ले रहे हैं वो? इनकी यही स्कीम है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अंदर घुसेंगे हमें लूटेंगे खाएंगे और भाग जाएंगे, ये हमारे साथ नहीं कॉपरेट कर सकते और ना ही हम इनके साथ कॉपरेट करेंगे। हम सब एक झंडे के नीचे, व्यापारी एकता जिंदाबाद का नारा लेके आगे बढ़ेंगे और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे व्यापारी खत्म हो, व्यापारी खत्म हो, हमारा छोटा छोटा दुकानदार, हमको बड़े दुकानदार नहीं है, सारे छोटे दुकानदार हैं। सर लेकिन ये जो फैसला लिया गया, जो भी आप भी भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, पर अब सरकार अगर बात करें हम तो सरकार भाजपा की है, क्या लगता है आपको जब ये ऑर्डर निकाला गया तो आपसे जो है रबता नहीं किया गया, ज़मीनी सतह पे आपसे बातचीत नहीं की जाती जिस तरह के जो है ऑर्डर निकाले जाते हैं? अब तो आप विरोध कर रहे हैं, आप दुकानदारों के साथ हैं, लेकिन अगर जिस तरह से जो प्रदर्शन किया जाता है दुकानदारों की तरफ से, तो आपके सर किस तरह से ये जो बात हाई अथॉरिटी तक रखेंगे? देखिए, कल मेरी कुविंदर गुप्ता जी से बात हुई, जो हमारे डिप्टी CM रह चुके हैं, उन्होंने मुझसे यही बात की कि अरोड़ा जी, हम मीटिंग कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। मेरी जूतबीर सेठी से भी बात हुई, मेरी पवन जी से भी बात हुई आज सुबह, उन्होंने भी आपको इंटरव्यू दिया इसके बारे में, उन्होंने साफ कहा है पार्टी से उठ के हम ये कह रहे हैं, हम पार्टी की लाइन से अलग बात नहीं कर रहे, लेकिन हम पार्टी वालों को सबको कह रहे हैं कि भाई इस पर ध्यान दो। क्या लगता है आपको कि ये फैसला वापस होगा, जो ऑनलाइन स्टोर खोलने की जो बात की जा रही है नहीं खुलेंगे? इनको बड़ा सोच समझ के, सबको साथ लेके, व्यापार मंडल को, चैम्बर को, काउंसिल्स को, सबको साथ में लोना। हमारे शहर में 21 काउंसिलर हैं, हमसे थोड़ी पूछा गया, व्यापार मंडल से थोड़ी पूछा गया, चैम्बर से पूछा गया क्या? किसी से नहीं पूछा गया। तो इसलिए सबको वन टेबल पे आना पड़ेगा। गवर्नर साहब से मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूँगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मिडिल क्लास को ख़त्म मत कीजिए। अगर मिडिल क्लास नहीं रही
तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मिडिल क्लास ही है जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। देखो जो बहुत बड़े हैं वो बहुत ही बड़े, जो गरीब हैं बेचारे वो लोगों की जूठी रोटी खाते हैं। मिडिल क्लास से देश चल रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से गवर्नर साहब से, मोदी जी से, जो भी हैं इस काम में देख रहे हैं, उन सब से हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके सोच समझ के फैसला लीजिए। ऐसा फैसला मत लीजिए कि जिसमें आने वाले टाइम में हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाए, हमारे दुकानदार भाई खत्म हो गए, तो समझो सब कुछ खत्म हो गया। अगर हम लोग फुटपाथ पे आएंगे तो फुटपाथ पे रह जाएंगे। इसके लिए हम सब एक झंडे के नीचे खड़े होंगे। मैं एक ही नारा दूंगा, व्यापारी एकता जिंदाबाद। अगर व्यापार है तो भाई साहब आप हैं, व्यापार है तो मैं हूँ, व्यापार से सब कुछ चलता है भाई साहब। हम दाल रोटी दुकान से निकाल रहे हैं, पार्टी हमारी सर्वमान्य है, पार्टी हमारी सर्वमान्य है, कोई चिंता नहीं, हम पार्टी के साथ ही हैं। चिंता नहीं है, पर अब चिंता में पार्टी ने आपको डाल दिया। कोई बात नहीं, चलता रहता है, चिंता आप चलेगी, लेकिन पार्टी आप अपनी जगह रखेंगे और व्यापारी अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी किसी बात की, कुछ ना कुछ समाधान तो निकलेगा। मेरी आज भी सुबह बात हुई है शेट्टी साहब के साथ, वो कह रहे हैं मीटिंग ले रहे हैं। मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था कविंदर जी का, वो भी कह रहे हैं मीटिंग ले रहे हैं। हाई अथॉरिटी तक हमने बातें पहुँचाई हैं कि कृपा करके इस ऑर्डर को वापस लीजिए। मैंने तो इतना तक कहा हड़ताल होने से पहले लीजिए, अब भगवान जाने कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी दुकानदार भाइयों का एकजुट हो जाओ, अगर एकजुट नहीं होगे तो खत्म हो जाओगे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने देखा कि जिस तरह से लगातार हम दुकानदारों की और स्थानियों की लगातार आप तक जो है बात पहुंचाते आ रहे हैं, जिस तरह से रिलायंस जो स्टोर खोले जा रहे हैं उसको लेकर जो क्या कुछ लोगों का कहना और क्या कुछ दुकानदारों का कहना है आपने साफ साफ सुन लिया। और तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर ड्यूटी की बात करें और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। रिलायंस के स्टोर खोले जा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं ये स्टोर खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? देखो जैसे मैं स्टोर खुलने की, सिर्फ अगर स्टोर खुलने की मैं बात करूँ, हमारे देश में एक ओपन मार्केट है, बिजनेस ओपन मार्केट में होता है। कोई भी कंपनी आ रही है अपना पैसा लगा रही है, हमारे लोग यहाँ पे उनको बिल्डिंग्स दे रहे हैं रेंट पे या ज़मीन बेच रहे हैं, हमारे लोग बेच रहे हैं, यहाँ तो वो ना बेचे, यहाँ तो वो बेचे ही ना। अब जम्मू में स्टोर खुल रहे हैं, मेरे ख्याल से कश्मीर में कोई नहीं खुल रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे उनको या बिल्डिंग्स नहीं रेंट पे मिली होंगी या वहाँ जो भी उनका रीज़न रहा होगा। ओपन मार्केट है, खोल कोई भी सकता है। देखो ये खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, अगर हम लोकल मार्केट को देख के बात करें, हम लोकल हैं, हमने जीना मरना इसी लोकल मार्केट में है, यहीं पर रहना है, तो हमारे आम व्यापारी भाइयों को काफ़ी नुकसान होगा इसका, मानना पड़ेगा। आज से 5-10 साल पहले या जब भी इजी डे यहाँ पर आए थे या विशाल मेगा मार्ट यहाँ पर आया था, मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसका झेलना पड़ा था। पटरी पे आई मार्केट, जैसे भी व्यापारियों ने कुछ स्कीम्स लाई या कुछ जो भी किया उन्होंने, आगे हमारे व्यापारियों को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बड़ी बढ़ती है। जम्मू कश्मीर से वो माल लेते नहीं, सारा माल आउट ऑफ स्टेट से लेते हैं, आगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी बढ़ती, कहाँ से वो इसका इतना डिस्काउंट दे पाएंगे जितना डिस्काउंट हमारा रिलायंस स्टोर या इजी डे या ऐसे मार्ट्स दे देते हैं। तो नुकसान आज इसी को लेकर आज जो है व्यापार मंडल की बात करें, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, उनकी तरफ से अभी अभी जो है एक बैठक की गई जिसमें आने वाला बुधवार जो है पूरा उधमपुर जो है पूरी तरह से बंद रहेगा, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप, इसका जो है समर्थन करते हैं आप? समर्थन करते हैं इसका, हम पूरा समर्थन करते हैं। देखो जी पहले मैंने आपको बात की, ओपन मार्केट है, बिज़नेस कोई भी कर सकता है, लेकिन हमने जो हमारा रोज़ का रास्ता हमारे व्यापारी भाइयों से है, हमारे दुकानदार भाइयों से है, लोकल लोगों से, अगर उनको किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है तो हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हुए हैं, उनका फ़ायदा हमारा फ़ायदा। हमने आ जाके बाकी बात वही है, हमने सपोर्ट अपने लोकल बंदे को करना है, रिलायंस वालों से हमारी कोई दुश्मनी ना कोई लेना देना है, वो बंदा अपनी जगह बिजनेस कर रहे हैं वो कंपनी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बंद का मैं समर्थन करता हूँ। इस समर्थन करने का ये मतलब नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं या फिर बिजनेस मॉडल्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन जहाँ पर हमारे भाइयों को उनको लग रहा है, अब मैं तो कोई दुकानदार हूँ नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, दुकानदार को अगर लग रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है उसके लिए वो बंद कर रहा है, तो हमारा समर्थन उनके साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने लगातार हर एक जो है व्यक्ति की आप तक जो है बात पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो विक हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो भाजपा का जो है कार्यकर्ता हो, जिस तरह से हमने जो है बात की भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो है अनिल अरोड़ा जी, और उनका भी यही कहना था कि हम पहले जो दुकानदार हैं पार्टी से ऊपर उठकर जो है हम एक दुकानदारों के साथ जो है खड़ा होंगे, और दुकानदारों को जिस तरह से लगातार
ये बात की जा रही है कि रिलायंस के जो है स्टोर 100 के करीब जो स्टोर खोले जाएंगे उसके जो है विरोध में आज बैठक भी की गई, जिसमें जो व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तरफ से एक बैठक की गई और उसमें ये तय किया गया कि आने वाला बुधवार जो है उधमपुर शहर जो है पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन आपकी राय भी जानना जरूरी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और फैसला अब सरकार को लेना है कि जिस तरह से लोगों को जो आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस पे जो है सरकार को भी ध्यान देना होगा कि किस तरह से आगे की जो है रणनीति की जाए।